अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपके साथ चिकन पिज़्ज़ा बन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ या किसी पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन क्यूब्स, मैं इसे छोटा छोटा कट कर लिया है और ये 250 ग्राम्स है बोनलेस चिकन। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और आधा लेमन मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है, अराउंड 2 टेबल स्पून लेमन जूस होगा। अब साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, साथ में रेड कश्मीरी चिली पाउडर है ये 1 टीस्पून, आधा चम्मची मैंने इसके अंदर लिया है काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मची है इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून है इसके अंदर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला है। इन सब चीज़ों से हम इस चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसको ढक के रख देंगे 15-20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और अब हम जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको हम अच्छे से इसके अंदर कुक कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, एक तो चिकन 15-20 मिनट मैरिनेट हो चुका है तो थोड़ा सा टेंडराइज वैसे ही हो गया है, लेमन जूस भी इसके अंदर था और साथ ही में चिकन का कुकिंग टाइम जो है बहुत ही क्विक होता है। तो ये 10 से 12 मिनट में हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम उसको साइड में रख लेंगे और हम एक पैन के अंदर जो हमारे बन हैं तो वो मैंने इस तरह से उनको बीच से कट कर लिया और उनको हम एक साइड से सेक लेंगे। अंदर की साइड से सिर्फ हमें उनको सेकना है थोड़ा सा बटर लगाकर, कि वो अंदर से हल्के से क्रिस्पी भी हो जाए और थोड़ा उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप बटर लगाकर उनको सेक लें। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको टर्न करके दिखाया, इस तरह से हल्के हल्के हमने सेक लिए हैं, दूसरी साइड से हमें नहीं सेकना है इनको। अब हम क्या करेंगे, इसको असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटो केचप लगा लिया है मैंने दोनों साइड, आप चाहें तो कोई भी अपना फेवरेट सॉस लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, पिज्ज़ा सॉस भी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। और फिर हम इसके ऊपर कुछ वेजीज रख लेंगे, मैंने यहाँ पे सलाद पत्ते हैं ये इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने चिकन अभी कुक किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, फैमिली को पसंद हो, वो आप इसके ऊपर ऐड कर दीजिए। मैं इसके ऊपर लाल और हरी शिमला मिर्च मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मेयोनीज़ ऐड कर दिया है। अब ये इस तरह से हो गया, अब मैं इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करूँगी। तो क्योंकि हमें इसे पिज़्ज़ा का फ्लेवर देना है तो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है डालनी। अब हम उसका टॉप जो है बन का वो रखेंगे और उसके टॉप के ऊपर भी हम इस तरह से सॉस लगा देंगे पहले और थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड करेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और मिक्स आप चाहें तो यहाँ पे क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप मेयोनीज़ ऐड करना नहीं चाहते तो। अब फिर उसके ऊपर थोड़ी सी वेजीज़ डाल दीजिए जो भी आपके पसंद की वेजीज़ हैं और थोड़ी सी चीज़ हम इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे। और साथ ही में हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वेजीज़ और रख दिए हैं और साथ में मैंने ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हमें इस पूरे बन को पैन के अंदर रखना है 5-6 मिनट के लिए स्लो हीट के ऊपर, ताकि नीचे वाला पार्ट जो है बन का वो क्रिस्पी हो जाएगा इतनी देर में और चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा जो बन है पिज़्ज़ा बन बिल्कुल है, बहुत ज़बरदस्त बहुत डिलिशियस बनता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें से वेजिटेबल्स हटा भी सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और बहुत झटपट भी बन जाती है। तो किसी भी हाई टी के ऊपर या फिर आप घर में नॉर्मल कोई बच्चों की पार्टी हो उसमें भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।